बंकी से ये खबर आ रही है। जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह एवं पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने जिला जेल का किया औचक निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान बंद अपराधी के बारे में जानकारियां खंगाली गई। अवैध गतिविधियां तो नहीं चल रही हैं, अनावश्यक रूप से कोई रहे ना रहे, अवैध असला सामान आदि तो नहीं है। जिला जेल का रख रखाव के साथ व्यवस्थाओं को देखते हुए कोविड-19 के मामले को भी बाराबंकी से खंगाला गया। मामले को लेकर सख्ती से निपटाने के लिए जिला जेल अधीक्षक कार्रवाई के लिए स्वयं है। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए जितेंद्र शुक्ला, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। बाराबंकी जेल का औचक निरीक्षण किया गया है डीएम महोदय द्वारा और मेरे द्वारा। यहाँ पे जितने अपराधी हैं उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की गई हैं, जो आइसोलेशन सेल में हैं उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की गई हैं। सभी के रख रखाव की व्यवस्था देखी गई है, यहाँ पे कोविड वार्ड जो चल रहा है उसकी व्यवस्था देखी गई है और सभी अपराधियों के बारे में कि कोई अनावश्यक रूप से यहाँ पे नहीं रह रहा है या कोई अवैध गतिविधियाँ नहीं चल रही है या किसी तरीके का अवैध कोई असलहा या सामान नहीं है, इन सबको चेक किया गया है। अभी प्रॉपर रूप से कोई ऐसी स्थिति पाई नहीं गई है, फिर भी हम लोग वाचपूर्ण हैं और लगातार प्रोत्साहित किया गया है जेलर महोदय को कि कोई भी ऐसी अवैध गतिविधि या अवैध शस्त्रों का प्रयोग ना पाया जाए, उसके लिए वो खुद ही सक्षम है कार्रवाई करने के लिए और आवश्यकता पड़ने पे हम लोग भी इसमें कार्रवाई करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।